हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और अप्लाइड मैकेनिक्स का जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट चल रहा था उसमें ये हम चैप्टर नंबर 5 मशीन पढ़ रहे थे और मशीन का ये लास्ट पार्ट है पार्ट 6 जो कि मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 22 है। ये थ्योरी वाला पोर्शन है, इसमें मैं आपको थ्योरी भी कराऊंगा एंड फॉर्मूले जितने बनेंगे इंपॉर्टेंट वे सब भी डिस्कस करेंगे हम। तो मशीन में हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गए हैं कुछ 2-3 टॉपिक, वो आज की इस क्लास में हम कवर कर लेंगे, जिसमें कि हम लिफ्टिंग मशीन पढ़ रहे थे। और लिफ्टिंग मशीन में सबसे पहले आज हम जानेंगे वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी के बारे में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थ्योरी अच्छे से समझाऊंगा काफ़ी अच्छे वे में, लेकिन आपको ओवरऑल लास्ट में जो फार्मूला निकल के आएगा वो फार्मूला जरूर याद करना, बिकॉज वो फार्मूला या उस फार्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट वन लाइनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है पूरी क्लास को, आपको बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी से मतलब क्या है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। डिफरेंशियल पुली मतलब है व्यासांतरी, मतलब हो गया व्यास में अंतर होगा। यानी वेस्टर्न ने एक ऐसी घिरनी बनाई थी, एक ऐसी पुली बनाई थी जिसमें क्या था, जिसके व्यास में अंतर था। यानी उन्होंने एक सिस्टम बनाया था पुली का जिसके व्यास में अंतर था। व्यास में अंतर से मतलब क्या है, एक घिरनी का व्यास ज़्यादा होगा, दूसरी घिरनी का व्यास कम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम एक बार समझा देता हूँ, उसी डायग्राम को थ्योरी की फॉर्म में आपको लिखना है नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर फिर हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें तो दो इसमें ब्लॉक हैं, कितने दो इसमें ब्लॉक हैं, कौन कौन से, ए ब्लॉक और दूसरा है बी ब्लॉक, क्लियर। जो ए ब्लॉक है ऊपर वाला, ये वाला ए ब्लॉक, इसको हमने ऊपर फिक्स कर रखा है, ठीक है। और नीचे वाला ब्लॉक कैसा आपका, ये चल ब्लॉक है, यानी मूव कर सकता है, ये फिक्स नहीं है कहीं भी, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो आपका ऊपर वाला फिक्स ब्लॉक होता है, स्थिर ब्लॉक होता है ए ब्लॉक, उसमें दो पुली लगी हुई है, दो घिरनी, एक तो ये घिरनी होगी बड़ी वाली घिरनी 1, दूसरी घिरनी होगी छोटी वाली घिरनी 2, ठीक है। इनको नाम दिए हैं अलग अलग 1 और 2। ये दोनों ही घिरनी दोस्तों एक ही धुरे पर टिकी हुई हैं, यहाँ पर कोई धुरा लगा है, ये बीच में पॉइंट जो दिख रहा है धुरी है ये, ठीक है। इस धुरी पर ही दोनों ये घिरनी घूमेंगी आपकी, क्लियर हुआ। एंड इसमें हमने रस्सी किस तरह लगा रखी, तो रस्सी जो लगी हुई है उसका कोई सिरा नहीं दिखा रखा, इसीलिए इस रस्सी को हम सिराहीन रस्सी कहेंगे। तो इस रस्सी को किस तरह लगाया गया है, तो जो आपकी बड़ी वाली घिरनी है घिरनी वन से होकर के, और नीचे वाली जो चल घिरनी है आपकी ब्लॉक बी की घिरनी, इस पर लपेटते हुए छोटी वाली घिरनी 2 से होकर के हमने इस रस्सी को बांधा हुआ है, समझ पा रहे हैं। यानी घिरनी 1 से लपेटते हुए और चल घिरनी जो आपकी ब्लॉक बी की घिरनी है इस पर लपेटा गया है इसको, इस तरह से, समझ पा रहे हैं। ये इसकी रस्सी थी, यही पार्ट मैंने आपका थ्योरी में लिखा है। क्या लिखा है कि इसमें दो ब्लॉक ए एंड बी होते हैं, ए और बी दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये हो गया ए ऊपर वाला जो कि फिक्स है, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। ब्लॉक ए स्थिर रहता है, ब्लॉक ए कैसा है, फिक्स है आपका। इस ब्लॉक में दो घिरनियाँ घिरनी 1 तथा 2 एक ही धुरी पर लगी होती हैं, एक ही धुरी पर लगी हैं दोनों घिरनियाँ, यहाँ तक क्लियर। आगे लिखा है घिरनी 1 का व्यास घिरनी 2 से अधिक है, जो घिरनी 1 है ये वाली, इसका व्यास घिरनी 2 से कैसा है आपका, ज़्यादा है, आपको दिख भी रहा है। ये बड़ी घिरनी है तो इसका डाया ज़्यादा होगा, जो छोटी घिरनी है इसका डाया कम होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है क्या, ये दोनों घिरनियाँ आपस में बद्ध होती हैं, यानी फिक्स हैं, ये दोनों घिरनी आपस में बंधी हुई हैं ना एक दूसरे से, इसीलिए जब ये बड़ी वाली घिरनी घूमेगी तो इसके साथ छोटी वाली भी घूमेगी, तो जिसके कारण ये एक साथ घूमती हैं, ठीक है। ये तो ऊपर वाले की बात हो गई, ऊपर वाले ब्लॉक को समझ आ गया सभी को, इसमें दो ब्लॉक है, ऊपर वाला फिक्स ब्लॉक है, इस पर दो घिरनी लगी है, घिरनी 1 घिरनी 2, घिरनी 1 का व्यास घिरनी 2 से अधिक होता है और ये दोनों एक ही धुरे पर फिक्स हैं, इसीलिए एक साथ घूमती हैं। अब बात करते हैं ब्लॉक 2 की, तो ब्लॉक 2 में केवल एक चल घिरनी है, ये चल घिरनी है मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। जिससे बाहर W बंधा होता है, इस चल घिरनी से देखो नीचे बाहर W बंधा हुआ है, एक सिरा रहित रस्सी, रस्सी कैसी है जिसका कोई सिरा नहीं है और एक ही रस्सी है केवल, ठीक है। तो एक सिरा रहित रस्सी घिरनी 1 से, घिरनी 1 ये वाली है, इस घिरनी 1 से चल घिरनी को लपेटते हुए घिरनी 2 पर लपेटी जाती है, इस तरह से लपेटी गई है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया, जो कि वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी का थ्योरी पार्ट है। अब मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने डेराइव करके दिखाता हूँ और वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे घिरनी 1 का व्यास
घिरनी वन का व्यास आपने मान लिया कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल डी है बड़ी वाली घिरनी का व्यास इसका। और जो घिरनी टू है आपकी, घिरनी टू का व्यास है स्मॉल डी, ठीक है, ये मान लिया। इसके व्यास से आपको कोई मतलब नहीं चल घिरनी के से, ये तो सिर्फ वेट को लिफ्ट कराने के लिए काम करेगी, ठीक है। इन दोनों का व्यास आपने मान लिया है। अब ध्यान से सुनना, जब हमने इसका प्रयास घिरनी नंबर एक पर लगाया, इस तरह खींचा इसको, जब हम इसको खींचेंगे तो घिरनी एक पूरे एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी, तो यहाँ लिख देंगे आप घिरनी वन द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी एक चक्कर में ये कितना दूरी चलेगा दोस्तों घिरनी वन, तो ये चलेगी पाई इंटू डी, अपनी परिधि के बराबर। कोई भी पहिया हो अगर वो एक चक्कर लगाता है तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी कवर करता है, तो इसकी परिधि होती है आप सभी जानते हैं टू पाई आर परिधि होती है, और टू आर को हम डी के देते हैं, इसलिए इसको पाई डी बोल दिया है। समझ पा रहे हैं सभी? तो घिरनी एक द्वारा चली गई दूरी तो क्या होगी आपकी पाई डी। अब जैसे ही आपने प्रयास यहाँ लगाया, जब ये घिरनी एक घूमेगी इस तरह से, जब ये घिरनी एक घूमी होगी तो रस्सी ऐसे खींचेगी, तो ये वाली भी इधर को घूमी होगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, इसको खींचा इस तरह से, जब आप इस रस्सी को ऐसे खींचेंगे तो ये वाली रस्सी ऐसे घूमेगी, तो ये वेट आपको ऊपर को लिफ्ट होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, जब ये ऐसे घूम रही है तो ये वाला पार्ट भी नीचे आएगा रस्सी का ऐसे घूमते हुए, तो इसके साथ आपकी ये वाली घिरनी भी घूम जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने इसको खींचा ऐसे, तो घिरनी एक जैसे ऐसे घूमने लगी है, इस तरफ घूमेगी ऐसे ऐसे, जब ये ऐसे घूमेगी तो ये रस्सी ऊपर को उठेगी, जब ये रस्सी ऊपर को उठेगी तो ये वाली घिरनी घूमने लगेगी, क्योंकि ये रस्सी ये वाली भी है, तो ये ऐसे आएगी घूमते हुए, तो ये भी चक्कर लगा देगी, डैट मीन्स घिरनी दो भी घूम जाएगी। क्या लिखेंगे हम फिर? घिरनी दो द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, घिरनी दो द्वारा एक चक्कर में पाई इंटू स्मॉल डी हो जाएगा, क्योंकि घिरनी दो का व्यास स्मॉल डी था, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे रस्सी द्वारा चली गई शुद्ध दूरी कितनी होगी, तो ये चली पाई डी और ये चली स्मॉल पाई डी, तो दोनों का जो अंतर आएगा वो शुद्ध दूरी होगी। तो लिख दीजिएगा रस्सी द्वारा चली गई शुद्ध दूरी, रस्सी द्वारा चली गई शुद्ध दूरी, दोनों का डिफरेंस पाई कैपिटल डी माइनस पाई स्मॉल डी, ये क्या हो गया? रस्सी द्वारा चली गई है शुद्ध दूरी है, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है और प्रयास द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो आप खुद बताइए, जब आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये आपकी रस्सी ऊपर उठी, तो ये मूवेबल था ब्लॉक, ये ऊपर उठेगा, लेकिन ये जितना पहिया बड़ा वाला घुमा है उतना ना उठ करके, मतलब जो इस रस्सी द्वारा ये जो शुद्ध दूरी चली गई है, इस शुद्ध दूरी के आधा दूरी ही भार ऊपर उठेगा। आधा दूरी क्यों उठेगा? क्योंकि जब आपने इसको ऐसे खींचा रस्सी को, तो ये पार्ट तो आपका ऊपर उठा, मतलब ये ब्लॉक आपका ऊपर उठा, लेकिन साथ में ये रस्सी भी नीचे को आएगी इस तरह से, तो आधा नीचे आ जाता है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि रस्सी द्वारा चली गई शुद्ध दूरी का आधा दूरी ही भार द्वारा चली गई दूरी होती है। तो यहाँ लिख देंगे क्या? भार द्वारा चली गई दूरी। तो दोस्तों बाहर जो दूरी चलेगा वो कितना होगा आपका, इसका आधा कर दीजिए, पाई डी माइनस पाई स्मॉल डी अपॉन टू, ये बाहर द्वारा चली गई दूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें प्रयास द्वारा चली गई दूरी और पता करनी है, हमारा फॉर्मूला निकल आएगा। तो अब देखिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम क्या? प्रयास द्वारा चली गई दूरी आप कहाँ लगा रहे हैं? बड़ी वाली घिरनी पर लगा रहे हैं, तो बड़ी वाली घिरनी जितना घूमेगी वो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, डेट मीन्स पाई कैपिटल डी यहाँ पर प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, ठीक है। अब हमें इन दोनों का यूज करके बी आर निकाल देना है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं अच्छे से, वेग अनुपात होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है।
अब इसको लिख लीजिए एक बार, मैं नीचे ग्राफ कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ फॉर्मूला निकल आएगा हमारा। अब देखिए बी आर इक्वल टू हो गया हमारा, बी आर इक्वल टू प्रयास द्वारा कितनी दूरी चली है पाई इंटू कैपिटल डी, बार द्वारा कितनी दूरी चली है पाई, कॉमन ले लूँ पाई इसमें से, मैं तो पाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन टू, ठीक है, ये टू ऊपर चला जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से जो बी आर का फॉर्मूला निकल आया कितना आया, टू ऊपर चला गया तो टू कैपिटल डी, ये कितना आ गया टू कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, ये समझ आया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया जो आपको याद करना है, पाई से पाई कट गया था, ये दो ऊपर चला गया, तो ये फॉर्मूला है जो मेन फॉर्मूला आपको याद करना है। पूरा डेरिवेशन आपको नहीं भी समझ आया तब भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी के लिए वेगा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप सिंपली याद कर लीजिएगा, बड़ी वाली जो पुली है इसका व्यास कैपिटल डी है, छोटी वाली पुली है इसका व्यास स्मॉल डी है, तो व्यासांतरी का मतलब व्यास में अंतर होगा, तो आपको याद आ जाएगा देखते ही ऑप्शन में कि डी माइनस डी आएगा, इसमें अंतर आएगा व्यास में, बड़े वाले व्यास में से छोटा वाला व्यास हमें माइनस करना है, क्या हो जाएगा डी माइनस डी नीचे आएगा इसके हर में, तो नीचे का याद हो गया ऊपर टू डी याद रखेंगे। तो बी आर क्या हो जाएगा, बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी में व्यासों में अंतर लिया जाता है जिसमें बी आर बराबर टू डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे पीछे वाले, मैकेनिकल एडवांटेज वही सेम रहेगा डब्ल्यू अपॉन पी, अगर आपको इफिशियंसी निकालनी है तो एम ए अपॉन बी आर सेम रहेगा, परसेंटेज में लेना तो 100%, बाकी सब फॉर्मूले पीछे वाले हैं, केवल आपको बी आर का फॉर्मूला यहाँ याद रखना है जो पूछा जाएगा। अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जिससे कि आपको इस फॉर्मूले का यूज भी समझ आ जाएगा और क्वेश्चन किस तरह का बनता है इसका न्यूमेरिकल वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो चलिए इसको रफ करते हैं और चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बेस्टन व्यासांतरी घिरनी के ऊपरी ब्लॉक में बड़ी घिरनी तथा छोटी घिरनी के व्यास क्रमशः 175 mm तथा 150 mm है, यदि मशीन की दक्षता 85% हो तो 2 किलो न्यूटन भार को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास की गणना कीजिए। यानी हमें साफ साफ क्वेश्चन में लिख करके दे दिया है कि ये बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी है, ठीक है, मतलब बेस्टन डिफरेंशियल पुली है ये, और यहाँ पर हमें लिखा है ऊपर वाले ब्लॉक में मैंने बताया था दो पुली लगी होती है, एक बड़ी और एक छोटी, तो यहाँ पर बड़ी पुली का एंड छोटी पुली का दोनों का हमें व्यास दिया गया दोस्तों 175 mm और 150 mm, तो बड़ी वाली पुली के व्यास को हम कैपिटल डी लिख देंगे जो कि 175 mm है, एंड छोटी वाली पुली के व्यास को स्मॉल डी लिख देंगे जो कि 150 mm है। यहाँ तक समझ आया, आगे हमसे बोला है इसकी दक्षता, मशीन की दक्षता यानी इफिशियंसी हमें दी गई है ईटा की वैल्यू 85% दी गई है, एंड 2 किलो न्यूटन भार को उठाने के लिए भार दिया है हमें कैपिटल डब्ल्यू, उठाया गया लोड कितना है आपका ये 2 किलो न्यूटन, अगर हम इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 2000 हो जाएगा, बिकॉज 1 किलो न्यूटन में एक किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है, तो 2 किलो न्यूटन में हो गया 2000 न्यूटन। एंड इसके बाद हमसे पूछा है प्रयास की गणना कीजिए, पी निकालना है हमें प्रयास पी, क्लियर। हमें पता है कि वेस्टर्न की जो व्यासांतरी घिरनी होती है उसमें केवल एक बी आर का हमें फॉर्मूला याद रखना होता है जो कैपिटल डी और स्मॉल डी के टर्म्स में होता है, क्लियर ना। तो यहाँ से अगर हम बी आर का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, टू कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, क्लियर। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो टू इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 175 अपॉन में इस कैपिटल डी 175 माइनस स्मॉल डी कितना है 150। यहाँ तक समझ आया, तो यहाँ से जब हम बी आर निकालेंगे तो बी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 175 का 2 गुना 350 हो गया अपॉन 175 में से 150 माइनस कीजिए 25 हो गया, इसको 25 से कट कीजिए 25 सेकंड 25 10 50 100 हो गया, 25 चौका 100 14 आ गया, यानी वेलोसिटी रेशियो वेगा अनुपात की वैल्यू हमारी 14 आ चुकी है। यहाँ तक समझ आया दोस्तों, इसके बाद हमें क्या दिया है इफिशियंसी दे रखी है, और इफिशियंसी का फॉर्मूला आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं एम ए अपॉन बी आर होता है, यांत्रिक लाभ अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू पुट करनी है तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट में नहीं वैल्यू पुट करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं गुणा करने की, इसको 0.85 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम 0.85 लिखेंगे, उससे पहले आप इसका फॉर्मूला लगा लीजिए एम ए का क्या होता है,
डब्ल्यू अपॉन पी होता है एम ए का फॉर्मूला, और यहाँ पर नीचे क्या आपका बी आर है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पी की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इस पी को इधर ले जाएंगे, यहाँ पर इफिशेंसी ईटा आ जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू में वी आर। यहाँ तक समझ आया। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, पी बराबर हो गया कैपिटल डब्ल्यू का मान 2000 दिया गया है, 2000 अपॉन में ईटा कितना 0.85 और बी आर की वैल्यू अभी निकाली हमने 14। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2000 को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2000 डिवाइड बाई 0.85 और इनटू में 14, 168.07, तो 07 कह देंगे इसको, 168.07 इतना न्यूटन आ गया आपका, ये लगाया गया प्रयास का मान, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जैसा मैंने आपसे कहा कि वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में सिर्फ एक फॉर्मूला नया है जो आपको याद करना है, वेलोसिटी रेशियो वेगा अनुपात का 2d अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, याद रहेगा सभी को। इससे हमने br निकाल लिया, बाकी बिल्कुल पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई करके p निकाल दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो पहले आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब हम आगे मूव करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है साधारण पहिया तथा धुरी, यानी सिंपल व्हील एंड एक्सल। तो इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, साधारण पहिया तथा धुरी, यानी सिंपल व्हील एंड एक्सल। तो साधारण पहिया तथा धुरी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे आप। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लिफ्टिंग मशीन पढ़ रहे हैं, जो कि लोड को लिफ्ट कराने का काम करेंगी, भार को उठाने का काम करती है। तो हमारा सिंपल व्हील एंड एक्सल भी क्या है, ये भी एक हमारी सिंपल मशीन है, एक साधारण मशीन है, क्लियर ना। तो क्या है, यह एक सरल मशीन है, ठीक है, सिंपल व्हील एंड एक्सल एक सरल मशीन है। अब पहले मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ, फिर आपको थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप सामने देखेंगे, डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, यह है एक पहिया इसका, ठीक है, बड़ा सा जो बना रखा आयत, ये पहिया है। हालांकि पहिया गोल होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको रेक्टेंगल शेप में बना रखा है, आप इस तरह बना सकते हैं, आपकी बुक में भी ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ये एक पहिया हो गया। इसके बाद दूसरी इस पर एक धुरी है ये वाली, ठीक है। पहिए का व्यास कैपिटल डी है, धुरी का व्यास इससे छोटा होता है जो कि स्मॉल डी है। यहाँ तक समझ आया, पहिया हो गया, धुरी हो गई, क्लियर। एंड इसके बाद इधर स्पेंडल लगा हुआ है, ठीक है, स्पेंडल, स्पेंडल के ऊपर ही धुरी लगी हुई है आपकी। एंड दोनों जो सिरे हैं, दोनों सिरे, इन दोनों सिरे पर बियरिंग्स लगी हुई हैं। ये बियरिंग क्या काम करेंगी दोस्तों, बियरिंग घर्षण को कम करने का काम करती है, ये फ्रिक्शन को कम करती है, क्लियर ना। तो डायग्राम आप सभी को क्लियर हो गया, ये पहिया है, ये धुरी है, ये स्पिंडल है, और ये दोनों तरफ बियरिंग लगी हुई है, ठीक है। पहिए का व्यास कैपिटल डी होता है, बिकॉज पहिया धुरी से बड़ा होता है, क्योंकि धुरी के ऊपर ही पहिया घूमता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें दो रस्सी लगा रखी है, एक रस्सी तो ये है जो कि हमने धुरी पर लगाई है, इसका रस्सी का एक सिरा हमने धुरी के किसी बिंदु पर यहाँ पर बांध दिया। एंड इसको धुरी पर लपेटते हुए दोस्तों, हमने क्या किया, इसको लपेटते हुए धुरी के ऊपर इसके दूसरे सिरे पर उठाए जाने वाला भार W लटका रखा है। एंड हमने एक दूसरी रस्सी ले रखी है, जिसका एक सिरा तो हमने क्या किया, पहिए पर बांध दिया, ठीक है। एंड इसके दूसरे सिरे पर पहले इसको पहिए से लपेटा, एंड दूसरे सिरे पर प्रयास P लगा दिया, क्लियर ना। अब हम इस प्रयास पी से इस रस्सी को ऐसे खींचेंगे, तो ये पहिया घूमेगा आपका इस तरह से। चूंकि पहिए का व्यास ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा घूमने में। जब प्रयास ज़्यादा घूमेगा, तो ये प्रयास जो लगाया है पहिए के ऊपर, ये धुरी पर ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज पहिया धुरी के ऊपर लगा हुआ है। जब हमने क्या किया, इस प्रयास को लगाया इस तरह से, तो ये पहिया घूमेगा, पहिए घूमने के साथ साथ पुली ये धुरी भी घूमेगी, बिकॉज धुरी और पहिया दोनों साथ में घूमेंगे, ठीक है। तो आपने पहिया घुमाया, प्रयास लगा करके धुरी भी घूमने लगी। अब जैसे ये धुरी घूमेगी दोस्तों, तो ये क्या करेगी, इस भार को उठा देगी, बिकॉज इस पर रस्सी, ये पुली की, इसकी पहिए की रस्सी और धुरी की रस्सी विपरीत लपेटी गई हैं, यानी कि इसको तो यहाँ से शुरू करके इस साइड में ले गए, और यहाँ को इधर से इस साइड में ले गए हैं, तो ये उल्टी लपेटी जाती है, जिससे पहिया जब घूमेगा उसके साथ धुरी घूमेगी, तो क्या होगा, ये वेट आपको ऊपर को उठता जाएगा, समझ पा रहे हैं सभी। इसी को मैं आपको थ्योरी में समझा देता हूँ, बाकी आपको ओवरऑल लास्ट में केवल फॉर्मूला याद रखना, जो कि आपको यूज होने वाला है न्यूमेरिकल में, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी थ्योरी के, ध्यान से देखिएगा। यह एक सरल मशीन है, आपको बता चुके पहले ही, इसमें एक पहिया तथा एक धुरी होती है, तो पहिया हो गया, दूसरी धुरी होगी, ठीक है।
जो आपस में फिक्स होते हैं, आपस में बद्ध होते हैं, ये दोनों आपस में फिक्स हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एंड आगे लिखा है जब पहिया घूमता है तो इसके साथ साथ धुरी भी घूमती है। मैंने बताया था अभी आपको, जब पहिया घूमेगा तो साथ में धुरी भी घूमेगी, ठीक है। धुरी के दोनों सिरे बियरिंग पर आधारित होते हैं, इधर भी बियरिंग लगाते हैं और इधर भी बियरिंग लगाते हैं। बियरिंग क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिससे घर्षण कम होता है, ठीक है। पहिए को घुमाने के लिए लगाए जाने वाला बल धुरी पर स्थानांतरित हो जाता है, यानी हम इस पहिए को घुमाने के लिए जब इस प्रयास को लगाएंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा धुरी के ऊपर एंड ये वेट को उठा देगा, ठीक है। क्या होता है? पहिए को घुमाने के लिए लगाए जाने वाला बल धुरी पर स्थानांतरित हो जाता है जो भार को ऊपर उठाता है, क्लियर ना। आगे एक रस्सी के एक सिरे को धुरी के किसी बिंदु पर बांध कर लपेटते हैं। हमने एक रस्सी के एक सिरे को धुरी के किसी बिंदु पर यहाँ बांध दिया, बांध करके इसको क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ बांध करके इस पर लपेट दिया, ठीक है। लपेट कर और क्या किया, दूसरे सिरे पर तथा दूसरे सिरे पर भार लटकाया जाता है, इस पर भार लटका दिया, ठीक है। आगे एक दूसरी रस्सी के एक सिरे को पहिए पर बांध कर लपेटते हैं। दूसरी रस्सी ये है, इसके एक सिरे को पहिए पर बांध कर हमने लपेट दिया एंड दूसरे सिरे पर तथा दूसरे सिरे पर प्रयास लगाया जाता है, ठीक है। पहिए तथा धुरी पर रस्सियाँ परस्पर विपरीत दिशा में लपेटी जाती हैं। इसकी दिशा उल्टी है दोस्तों, ये इधर से इधर को जा रही है रस्सी इस तरह से, और ये आपकी इधर को लपेटी गई है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत लपेटते हैं जिससे कि पहिया घूमेगा तो उसके साथ धुरी घूमेगी तो भार आपका ऊपर उठ सके। क्लियरली समझ आ गया होगा आप सभी को। तो अब आपका ये हो गया थ्योरी का पार्ट कंप्लीट, ठीक है, यानी पहिया तथा धुरी का। तो आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए जिससे आप लिख सकें। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखा देता हूँ जो कि हमें यूज होने वाला है, ठीक है। रफ करते हैं इसको। अब देखिए इसका फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला है, हमें जितनी भी लिफ्टिंग मशीन पढ़नी है सभी के पी आर के फॉर्मूले निकालने हैं जो कि बहुत मेन है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के। तो यहाँ पर हम बी आर जब निकालेंगे तो बी आर का फॉर्मूला होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर प्रयास पहिए पर लगाया गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रयास द्वारा पहिए के एक चक्कर में, प्रयास द्वारा पहिए के एक चक्कर में चली गई दूरी। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न की वैशांतरी गिरनी में क्या बताया था कि अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, परिधि होती है 2πr, तो हम इसको 2πr को 2d के πd कह सकते हैं, कैपिटल πd। तो ये हो गया प्रयास द्वारा चली गई दूरी पाई कैपिटल d, क्योंकि प्रयास पहिए पर लगा है तो पहिया एक चक्कर में पाई डी दूरी तय करेगा, ठीक है। एंड दूसरा लिखेंगे भार द्वारा चली गई दूरी, भार किस पर लगा, धुरी पर, तो भार द्वारा धुरे के एक चक्कर में चली गई दूरी। ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा दोस्तों, तो स्मॉल डी है दूरी का व्यास, तो पाई स्मॉल डी दूरी तय करेगा ये। अब हमें निकालना है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो बी आर निकालना है। तो बी आर क्या होता है दोस्तों, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, बी आर होता है हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो प्रयास ने कितनी दूरी चली है दोस्तों, कैपिटल पाई डी, और भार द्वारा पाई स्मॉल डी, पाई से पाई कट गया तो यहां से बी आर का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये तो आपका डी क्या है, ये वाला कैपिटल डी तो किसका व्यास है, पहिए का व्यास। मैं लिख देता हूं यहां पर पहिए का व्यास क्या है आपका, कैपिटल डी, एंड धुरी का व्यास क्या है, धुरी का व्यास हो गया स्मॉल डी। तो ये आ गया पहिए का व्यास अपॉन धुरी का व्यास, जो आता है इसका पहिए तथा धुरी का वेगानुपात आता है, बी आर का फॉर्मूला आता है। समझ आ गया सभी को, क्लियर है अच्छे से। बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे आपके पीछे वाले, एम ए का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन पी एंड ईटा का फॉर्मूला एम ए अपॉन बी आर, ये सब सेम रहेंगे दोस्तों, जो पीछे हम यूज किए थे फॉर्मूले वे सभी फॉर्मूले सेम है, केवल यहाँ पर हमें याद रखना है वेलोसिटी रेशियो बी आर का फॉर्मूला, ये होता है आपका बी आर का फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला था।
बेस्टन की व्यासांतरी घिरनी में क्या था, व्यासों में अंतर होता था, इसीलिए वहाँ पर 2D/d आता था। यहाँ पर क्या है आपका, ये साधारण पहिया तथा धुरी है, इसीलिए यहाँ पर केवल पहिए ने जितनी दूरी तय की, D/π, इसने स्मॉल डी और पाई, तो पाई से पाई कट गया, D/d, इसका BR का फॉर्मूला निकल के आ गया है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये, तो हम क्या करते हैं अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे हमें इसका यूज भी समझ आ जाए एंड इसके बाद अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। इसको रफ कर दें और देखते हैं फिर अगला टॉपिक, यानी पहले इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसके बाद अगला टॉपिक। देखिए दोस्तों, साधारण पहिए तथा धुरे का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है एक साधारण पहिया तथा धुरे के व्यास क्रमशः 50 cm तथा 10 cm हैं। यदि मशीन की दक्षता 80% हो तो 1700 N भार को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास की गणना कीजिए। यानी हमें यहाँ पर क्या दिया कि क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया साधारण पहिया तथा धुरा है, तो साधारण पहिए और धुरे में, चूँकि पहिया हमारा बड़ा होता है दोस्तों, अभी आपको मैंने डायग्राम बनाया था, पहिया कैसा होता है बड़ा होता है एंड धुरा कैसा होता है छोटा होता है, तो जो पहिए का व्यास होगा वो ज़्यादा होगा D, और जो धुरे का व्यास होता है वो कम होता है, जिसे हम d कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 cm क्या है आपका, ये पहिए का व्यास है, और 10 cm ये धुरे का व्यास है, तो पहिए का व्यास D बराबर 50 cm एंड धुरे का व्यास d बराबर 10 cm, जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने लिख दिया, इतना समझ आ रहा है। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है इसकी दक्षता कितनी है मशीन की, इफ़िशेंसी दे रखी है 80%, 80% को पॉइंट में लिखेंगे तो 0.80 हो जाएगा ये, ठीक है, 100 से डिवाइड करने के बाद। एंड ये भार दे रखा है, भार कितना है इसका, W दे रखा है, उठाया गया भार 1700 N, हमें निकालना क्या है, प्रयास निकालना है, लगाया गया प्रयास, क्लियर ना। तो जितने भी आपके लिफ्टिंग मशीन के टॉपिक्स हैं सभी में सबसे पहला काम क्या है, जो आपको ब्याज दिया है इसकी हेल्प से पहले निकालेंगे वेगा अनुपात, यानी हम BR निकाल लेंगे, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला अभी बताया था आपको क्या होता है, साधारण पहिए और धुरे के लिए होता है D/d, क्योंकि पहिए द्वारा चली गई दूरी D थी और धुरे द्वारा चली गई दूरी D था, तो पाई से पाई कट जाता है, D/d बचता है। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, D कितना 50 है, D कितना 10 है, तो आपका यहाँ से 5 आ गई BR की वैल्यू। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 5, यूनिट लेस होता है बिकॉज ये रेशियो है। एंड अब आगे बात करें तो हमें P निकालना है, ईटा दे रखा है, तो यहाँ पर ईटा का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, जस्ट पीछे वाला भी जो लगाया था, MA/BR, ठीक है। इस वैल्यू को हम बिना परसेंट के रखेंगे, इसलिए 100 से गुणा नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो हमें 80 लिखना पड़ेगा यहाँ पर पूरा, ठीक है। आगे देखिए, ईटा की जगह सबसे पहले MA को लिख लीजिए आप W/P के फॉर्म में, W/P लिख दिया इंटू में VR, हमें निकालना है P को इधर ले जाइए, ईटा को यहाँ ले आइए, तो P बराबर हो जाएगा ये W/ईटा × VR, यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए आप, W की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1700 N, यहाँ आपने 1700 रख दिया, ईटा की वैल्यू कितनी है 0.8 लिख दिया इंटू VR, वेलोसिटी रेशियो अभी निकाला है 5, ठीक है, नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1700 × 8×40, 4 आ गया ये। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा P कितना आ जाएगा, 4×4=16, 1×10 हो गया, 4×2=8 और 4×5=20, 425 N आ गया। यानी हम साधारण पहिए और धुरे की सहायता से 425 N का बल लगा करके हम 1700 N का भार उठा सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इसमें याद क्या रखना था आपको, सिंपल केवल BR का फॉर्मूला याद रखना है साधारण पहिए और धुरे के लिए। अब आगे बात करेंगे हम व्यासांतरी पहिए और धुरी की, यानी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के बारे में, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एंड आगे करते हैं अगले टॉपिक की बात। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक व्यासांतरी पहिया और धुरी की, यानी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के बारे में। अब डिफरेंशियल व्हील और एक्सल का मतलब क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी साधारण पहिया और धुरी, तो उसमें क्या था, एक पहिया लगा था और एक धुरी लगी थी, बट इसमें क्या होगा, इसमें व्यासांतरी का मतलब व्यास में अंतर होगा, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी धुरी और पहिए के सिस्टम का यूज करना है जिनके व्यास में अंतर हो। व्यास में अंतर से मतलब है कि यहाँ पर हम दो धुरी का यूज करेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ एक धुरी ली थी,
यानी जो साधारण पहिया और धुरी था उसमें एक पहिया लिया था और एक ही धुरी ली थी, लेकिन व्यासांतरी पहिया और धुरी में क्या करेंगे, पहिया एक ही होगा लेकिन धुरी हम दो यूज करेंगे जिनके व्यास में अंतर होगा, इसीलिए इसको व्यासांतरी पहिया और धुरी कहा गया है। तो दोस्तों ये आपका जो सिंपल जो साधारण पहिया और धुरी था उसी का मॉडिफाइड रूप है, यानी मॉडिफाइड किया है इसको। मॉडिफाई करने से मतलब क्या है, इसको संशोधित कर दिया है, इसमें थोड़ा सुधार किया गया है। इसमें सुधार क्यों किया जाता है, क्योंकि साधारण पहिया और धुरी की सहायता से जितना हमें यांत्रिक लाभ और वेगानुपात प्राप्त होता था उससे भी ज़्यादा यांत्रिक लाभ और वेगानुपात प्राप्त करने के लिए हम उस साधारण पहिए और धुरी को ही संशोधित करके व्यासांतरी पहिया और धुरी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ एंड उसके बाद हम थ्योरी को रीड कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पीछे की तरह से बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें एक पहिया लगा होता है जैसे कि साधारण पहिए में लगा होता था, वैसे यहाँ पर एक पहिया लगा है, ठीक है, ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने पहिया ए, क्लियर। और इसमें दो धुरी लगी हुई हैं, धुरी बी और धुरी सी, क्लियर ना। धुरी बी जो है धुरी सी से बड़ी है, इसका मतलब धुरी बी का व्यास धुरी सी से अधिक होता है, समझ पा रहे हैं। तो कैपिटल डी यहाँ पर पहिए का व्यास है, यहाँ डी वन जो है स्मॉल डी वन ये धुरी बी का व्यास है और डी टू धुरी सी का व्यास है, इतना समझ आ रहा है। इसमें भी हम दो ही रस्सी का प्रयोग करते हैं, एक रस्सी का एक सिरा तो पहिए से बांधते हैं और दूसरे सिरे पर प्रयास पी लगा देते हैं एंड दूसरी रस्सी को इस प्रकार से दोनों धुरी बी और सी पर लपेटा जाता है कि बीच में, इनके बीच में एक पुली लगाई जा सके। और ये पुली कैसी है, चल घिरनी है दोस्तों, ये मूव हो सकती है, ये ऊपर को उठ सकती है। और इस चल घिरनी के ब्लॉक पर हमने क्या लगा दिया, भार डब्लू लटका दिया जो कि हमें उठाना है, समझ पा रहे हैं। तो ये तो आपका डायग्राम हो गया, सेम वैसे ही स्पंडल लगा हुआ है इधर और दोनों सिरे पर बियरिंग लगी होती है जो घर्षण को कम करने का काम करती हैं, क्लियर ना। अब ये भार को उठाएगा कैसे, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर आप रस्सी को देखें दोस्तों, तो रस्सी जो आपकी दूसरी वाली रस्सी है जो धुरी पर रस्सी लगी हुई है, इन दो इसके दोनों सिरे विपरीत दिशा में लपेटे गए हैं, मतलब इसका एक सिरा यहाँ से शुरू करके इधर को लिया गया है और इस रस्सी का दूसरा सिरा इस साइड से शुरू करके इधर को लाए हैं, मतलब दोनों विपरीत दिशा में लपेटी गई हैं। जबकि पहिए का और धुरी सी का जो रस्सी का सिरा है वो सेम है, देखिए ये भी यहाँ से इस तरह लपेटते हुए ले गए, इसको भी इस तरह से लपेटते हुए ले गए। तो पहिया ए और धुरी सी इन दोनों में रस्सी को सेम प्रकार से ही लपेटा गया है। अब जब हम इसको खींचेंगे, प्रयास को ऐसे करके खींचेंगे, तो रस्सी इधर से खुलना शुरू हो जाएगी, उतरना शुरू हो जाएगी, मतलब इधर से खींचेंगे पहिया घूमेगा। जब ये पहिया घूमेगा दोस्तों, तो ये वाली कौन सी पहिया, ए की जो रस्सी है ये भी उतरेगी और सी की जो रस्सी है ये भी उतरेगी, क्योंकि ये दोनों आपकी सेम लगाई गई हैं, सेम तरीके से लपेटी गई हैं। जबकि जो धुरी बी है इस पर क्या होगा, इस पर ये लपेटना स्टार्ट हो जाएगा, इससे और इससे तो उतरती रहेगी रस्सी और इस पर लपेटती रहेगी रस्सी, तो इससे खुलेगी और इस पर लपेटी जाएगी, तो ये वाला सिरा रस्सी का ऊपर को उठेगा। जब ये सिरा रस्सी का ऊपर उठेगा तो ये चल घिरनी है, तो ये चल घिरनी ऊपर को उठ जाएगी, ठीक है ना। मगर ये उठती कितनी है ऊपर को, तो इसके एक चक्कर में और इसके एक चक्कर में जितनी दूरी तय की जाएगी उन दोनों के डिफरेंस का आधा दूरी ही बाहर ऊपर उठेगा, जैसा कि वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में उठा था, समझ पा रहे हैं। तो फिलहाल अगर आपको इतना डिटेल में समझ नहीं आ रहा तो इतना इसमें थ्योरी में आप लिख लेंगे क्या, कि यह क्या है, यह सरल मसी सरल पहिया और धुरी का एक संशोधित रूप है जिसमें एक पहिया और दो धुरी बी और सी लगी होती हैं, दोनों धुरी के व्यासों में अंतर होता है जिनमें बड़ी धुरी का जो व्यास है वो डी वन है और छोटी वाली धुरी का व्यास डी टू है, समझ पा रहे हैं। और जो धुरी है ये दोनों सिरों पर बियरिंग पर आधारित होती हैं और स्पिंडल इनमें लगा होता है, बियरिंग घर्षण को कम करने का काम करती हैं एंड पूरे सिस्टम में दो ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है, एक रस्सी पहिए के एक रस्सी का एक सिरा पहिए से बांध करके दूसरे सिरे पर प्रयास लगाया जाता है और दूसरी रस्सी के दोनों सिरों को दोनों घिरनी पर इस प्रकार से लपेटा जाता है कि इनके बीच में एक पुली लटकाई जा सके जिस पर उठाए जाने वाला भार लटकाया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो यही सब मैंने थ्योरी में इधर लिखा है, एक बार मेरे साथ साथ रीड करेंगे अगर आपको राइटिंग समझने में दिक्कत हो रही हो तो। क्या है कि व्यासांतरी पहिया और धुरी सरल पहिया और धुरी का संशोधित रूप है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मॉडिफाई रूप है ये इसका। आगे है, इसका उपयोग मशीन का यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बढ़ाने में किया जाता है, ये भी मैंने बताया था, यानी कि जो आपका ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल होता है ये सिंपल व्हील एंड एक्सल से ज़्यादा वेट को कैरी कर सकता है, ठीक है।
आगे देखें तो इसमें एक पहिया ए होता है, पहिया हो गया ये वाला पहिया ए, तथा दो धुरी बी एवं सी एक ही अक्ष पर आपस में बद्ध होते हैं। ये तीनों एक ही अक्ष पर फिक्स किए गए हैं, ठीक है। आगे धुरी बी का जो व्यास है धुरी सी से अधिक होता है, धुरी बी का व्यास डी वन धुरी सी के व्यास डी टू से अधिक है। पहिए ए पर एक रस्सी का एक सिरा बांधकर दूसरे सिरे पर प्रयास लगाया जाता है, पहिए ए पर एक रस्सी का एक सिरा बांध करके और दूसरे सिरे पर प्रयास लगाया जाता है। आगे देखिए, एक दूसरी रस्सी धुरे बी और सी पर इस प्रकार से लपेटते हैं, यह दूसरी रस्सी है जो बी और सी पर इस प्रकार से लपेटी गई है कि बीच के भाग पर एक चल गिरनी लटकाई जा सके, बीच के भाग पर एक चल गिरनी लटकाई जा सके और पुली ब्लॉक पर यानी इसके पुली ब्लॉक पर भार लटकाया जाता है। समझ पा रहे हैं, धुरी बी एवं सी पर रस्सियां परस्पर विपरीत दिशा में लपेटी जाती हैं, इस पर और इस पर विपरीत दिशा में लपेटी गई हैं दोनों, जबकि पहिया ए और धुरी सी पर सेम डायरेक्शन में रस्सी को लपेटा जाता है। लिखा है पहिया ए एवं धुरी सी पर रस्सी एक ही दिशा में लपेटी जाती है। तो ये तो इसकी थ्योरी होगी जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर ना। अब हम इसका जो फॉर्मूला निकाल के लाएंगे वही आपके लिए मेन होगा, वही आपको याद करना होगा। तो फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं, मैं इसको रफ करता हूँ, इसको रफ करके अब देखते हैं अपना फॉर्मूला। इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, भार कैसे उठता है ये आपको समझ आ चुका है। इसमें भार आपको समझ आ गया कैसे उठेगा, प्रयास पी लगाएंगे तो ये रस्सी क्या होगी आपकी, जब ऐसे खींचेंगे इसको तो रस्सी इस पहिए पर से उतरना शुरू हो जाएगी घूमते हुए, सेम यहाँ से भी उतरेगी क्योंकि इन दोनों को सेम दिशा में लपेटा गया था। जब यहाँ से रस्सी ऐसे खुलती जाएगी तो ये चल गिरनी घूमेगी और इस पर लपेटती जाएगी, इस वाली धुरी पर इस पर लपेटती जाएगी, तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगा क्योंकि चल ब्लॉक है ये वाला आपका, जब ऊपर उठेगा तो भार आपको ऊपर को उठ जाएगा। समझ पा रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बी आर निकालने के लिए प्रयास द्वारा चली गई दूरी। पहली चीज क्या है, प्रयास प्रयास द्वारा चली गई दूरी। अब आप खुद बताइए प्रयास यहां पर कितनी दूरी तय करेगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास पहिए पर लगा है तो एक चक्कर में पहिया जितना घूमेगा उतनी दूरी चली जाएगी। आप लिख भी सकते हैं प्रयास द्वारा चली गई पहिए के एक चक्कर में दूरी कितनी होगी, पाई कैपिटल डी हो जाएगी, पहिया एक चक्कर लगाएगा उतने में पाई डी घूम जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद बात करें धुरी बी की, तो धुरी बी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यहाँ लिखेंगे क्या, धुरी इसे लिख दीजिएगा, पूरा ही लिख दीजिए, प्रयास द्वारा पहिए के एक चक्कर में, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, पहिए ए के एक चक्कर में चली गई दूरी। पहिया जो है आपका एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, यह प्रयास के द्वारा चल रहा, तो यही दूरी प्रयास द्वारा चली गई दूरी है जो कि पाई डी होगी। समझ पा रहे हैं, अब बात करते हैं आपका यह धुरा जो बी और सी है कितनी दूरी चलेगा, तो धुरा बी तो पाई डी वन दूरी चलेगा और धुरा सी कितना, पाई डी टू दूरी चलेगा। तो यहां लिख देंगे धुरा या धुरे बी द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितना चलेगा, पाई डी वन, क्योंकि धुरे बी का जो व्यास है वो डी वन है, ठीक है। इसी तरह से धुरे सी द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पाई डी टू, ये कितना चलेगा, पाई डी टू दूरी तय करेगा आपका धुरा सी। यहां तक समझ आया, अब मैं बात करूं बी और सी की जो रस्सी है इसके द्वारा शुद्ध दूरी कितनी चली जाएगी, तो लिख दीजिए यहां क्या, धुरे बी एवं सी की रस्सी द्वारा एक चक्कर में चली गई शुद्ध दूरी,
शुद्ध दूरी, दोनों का डिफरेंस ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, पाई डी वन माइनस पाई डी टू। जिस तरह से वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में हम पढ़ चुके हैं सेम वैसे ही करना है। अब अगर बाहर द्वारा चली गई दूरी होगी तो कितना होगा, बाहर द्वारा चली गई दूरी, बाहर कितनी दूरी चलेगा, इस जो आपकी शुद्ध दूरी है इसका आधा बाहर उठेगा, बिकॉज इधर से जब रस्सी खुलती जाएगी तो इधर को लपेटती जाएगी तो आधा ऊपर को उठ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये पाई डी वन माइनस पाई डी टू अपॉन टू, ये हो गया बाहर द्वारा चली गई दूरी। तो बाहर द्वारा चली गई दूरी और प्रयास द्वारा चली गई दूरी ये वाली, ठीक है, इन दोनों को लेके हम बी आर निकाल सकते हैं। बी आर तो बी आर क्या होता है दोस्तों, बी आर का फॉर्मूला आप सभी अच्छे से जानते हैं, बी आर इक्वल टू होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी, ठीक है। प्रयास द्वारा चली गई दूरी कौन सी है, पाई डी है, भार द्वारा चली गई दूरी ये है। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम यहाँ से, तो बी आर बराबर प्रयास द्वारा चली गई दूरी पाई डी हो गया, दिख रहा है नीचे तक, और भार द्वारा चली गई दूरी कितना है, ये पाई कॉमन ले लें पाई इसमें से, तो ब्रैकेट में बचेगा डी वन माइनस डी टू, और जो अपॉन में टू आएगा ये वाला टू ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, समझ पा रहे हैं, एक बार देख लो इतना आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, यस यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद जस्ट फॉर्मूला आता है निकल के, अब ये पाई से पाई कट जाएगा और ये दो आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ से जो हमारा बी आर का फॉर्मूला आ गया दोस्तों, बी आर बराबर निकल के टू ऊपर पहुँच जाएगा, तो टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वन माइनस स्मॉल डी टू, ये आपका यहाँ से बी आर का फॉर्मूला हो गया। जैसे वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी में क्या था, टू डी अपॉन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, क्योंकि वहाँ पर पहिए उसका जो व्यासांतरी घिरनी थी बड़े वाले व्यास में से छोटा व्यास घटाते थे, यहाँ पर धुरी के बड़े वाले व्यास में से छोटे व्यास को घटाएंगे, इतना अंतर है सिर्फ, ठीक है ना। तो हो गया आपका इसका बी आर का फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आप सभी को बी आर का फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जी साफ साफ दिखाई दे रहा है, गुड, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करा दूं। मैं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी टॉपिक्स के दोस्तों एक एक इसीलिए करा रहा हूं, बिकॉज मुझे इसी लेक्चर में मशीन के जितने भी टॉपिक्स बचे हुए थे सभी कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे स्क्रू जैक, साधारण स्क्रू जैक, उसके बाद देखेंगे व्यासांतरी स्क्रू जैक, फिर साधारण बर्म एवं बर्म पहिया देखेंगे। तो अभी इसके बाद भी तीन टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, मिनिमम टाइम में 10 मिनट भी लूंगा एक टॉपिक को समझाने में, तब भी आधा घंटा भी लग जाएगा, इसीलिए मैं इनके एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपको इनके फॉर्मूले का यूज समझ में आ सके। इसके अलावा मशीन के पूरे 60 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मेरे पास पहले से तैयार हैं, जिनका क्लास मैं इसके जस्ट बाद ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पूरे 60 क्वेश्चन करेंगे हम, जिस तरह से मैकेनिक्स के हमने सेकंड चैप्टर के किए थे उसी तरह से मशीन वाले चैप्टर के, सिंगल मशीन चैप्टर के 60 प्लस क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिनमें से जितने भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है, सब कुछ उसमें से ही आएगा। आप पहले थ्योरी को अच्छे से कवर कर लीजिए एंड आपको एमसीक्यूज लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, देन आफ्टर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं इस टॉपिक के, विभेदी पहिया एवं धुरी, यानी इसको हम व्यासांतरी को विभेदी भी कहते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है, विभेदी मतलब अंतर जिसमें होता है। तो विभेदी पहिया एवं धुरी के पहिए का व्यास, यानी ये पहिए का व्यास दिया गया 25 सेंटीमीटर, बड़े तथा छोटे विभेदी धुरियों के व्यास, यानी धुरियों के व्यास दिए हैं, बड़ी वाली धुरी का व्यास 10 सेंटीमीटर है और छोटी वाली धुरी का व्यास 9 सेंटीमीटर है। 750 न्यूटन भार को उठाने के लिए 30 न्यूटन का आयास लगाया जाता है, आयास मतलब हो गया प्रयास, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है, नंबर एक वेग अनुपात ज्ञात करना है, दूसरा यांत्रिक लाभ, और तीसरा विभेदी पहिया एवं धुरी की दक्षता यानी इफिशियंसी निकालनी है, क्लियर। सबसे पहले आपको जो जो दिया है यहाँ लिख देते हैं हम, पहिए का व्यास हम कैपिटल डी मानते हैं दोस्तों, तो कैपिटल डी दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड जो बड़ी वाली धुरी होती है उसका व्यास डी वन था, अभी दिखाया था आपको डी वन, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, छोटी धुरी का व्यास डी टू मानते हैं और ये 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एंड इसके बाद हमें 750 न्यूटन भार दे रखा है, कैपिटल डब्लू 750 न्यूटन। इसके बाद 30 न्यूटन का आयास दिया है, आयास मतलब प्रयास हो गया, इफर्ट,
यानी पी दे रखा है कितना 30 न्यूटन। इतना समझ आया? आप सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेगानुपात बी आर निकालना है, वेलोसिटी रेशियो बी आर हमसे पूछा गया है। जस्ट अभी फॉर्मूला बताया था, विभेदी पहिया और धुरी का फॉर्मूला, ऊपर लेते हैं 2D, नीचे लेते हैं D1 माइनस D2। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 2 × D, कैपिटल D का मान 25 है, 25 रख दिया, अपॉन 10 हो गया D1, 9 हो गया D2, 25 दूनी 50 हो गया। तो यहाँ से BR की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी आ गई, 50/1, तो इसको 50 कह देंगे हम। समझ पा रहे हैं आप लोग? 50 आ गया BR की वैल्यू। एक बार देख लें, आपको यहाँ तक दिख रहा है? जी हाँ, ठीक है। तो हमारा BR निकल चुका है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। दूसरा पूछा है हमसे यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो मैंने बताया था लिफ्टिंग मशीन में केवल BR के फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बाकी सभी फॉर्मूले पीछे वाले सेम रहेंगे। तो MA का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, W/P होता है। यहाँ पर W की वैल्यू आपको गिवन है पहले से कितनी, 750 अपॉन में P की वैल्यू 30, 0 से 0 कट गया, 25 थी या 75, ये आ गया 25 हमारा। MA की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25। क्लियर हुआ? MA आ गया 25। अब आगे बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की। तीसरा हमसे क्या पूछा है इसमें, दक्षता पूछी है, यानी इफिशियंसी ईटा। ईटा क्या होता है दोस्तों, MA अपॉन BR। MA की वैल्यू कितनी है, MA 25 जस्ट अभी निकाला आपने, BR कितना है 50। समझ पा रहे हैं? ईटा की वैल्यू अगर हमें ये परसेंटेज में लेना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे हम, 25/50 × 100, 50 से 100 दो बार कट गया और 25 दूनी 50% आ गया, ये इफिशियंसी आ गई 50%। तो हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे अपने नोट्स बना सकें आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसमें हम देखेंगे साधारण स्क्रू जैक, ठीक है। स्क्रू जैक की बात करते हैं, तो इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की, साधारण स्क्रू जैक यानी सिंपल स्क्रू जैक। सिंपल स्क्रू जैक क्या होता है, जैसा कि जैक का आप सभी जानते हैं, जैक का यूज क्या होता है, जैक का यूज होता है भार को उठाने का, यानी बहुत कम प्रयास लगा के हम भार को उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा है, जैसे कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसका टायर पंचर हो जाता है तो हम उसका टायर चेंज करने के लिए उसके नीचे जैक लगा के उसे उठा देते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी सिंपल स्क्रू जैक का काम भी यही होगा। अगर बहुत अधिक भारी भार हैं, उनको कम प्रयास लगा करके हमें उठाना हो, तो हम सिंपल स्क्रू जैक का यूज करेंगे, ठीक है। तो साधारण स्क्रू जैक का प्रयोग हम भारी भारों को कम प्रयास लगाकर ऊपर उठाने के लिए करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं इसका। इसके डायग्राम में बिल्कुल सिंपल सा है। एक तो इसमें चूड़ीदार छड़ होगी जिसे हम स्क्रू कहेंगे। ये आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाली छड़, ये चूड़ीदार छड़ है, इसको हम स्क्रू बोलते हैं, जिसे हमने नीचे स्पिंडल से दिखा रखा है। और इसमें ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं। और इन चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम पिच बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, दो चूड़ियों के बीच की दूरी, इसको पिच बोलेंगे, पिच स्मॉल पी से, या फिर हम इसको स्मॉल एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में एक्स से दिखा रखा है, किसी बुक में स्मॉल पी से दिखा रखा है। मैंने यहाँ सपोज एक्स मान लिया, क्लियर ना। एंड ऊपर इसका एक हेड होता है और इसके हेड में एक हत्ता लगा होता है। इस हत्ते पर प्रयास लगा करके हम इसको घुमाते हैं हत्ते को, ठीक है ना। जब हम इस हत्ते को घुमाएंगे तो जो इसकी चूड़ी है दोस्तों खुल के ऊपर को हो जाएगी, और जब ये ऊपर को होएगा, इसका जो छड़ है, स्क्रू है, तो ये वेट को लिफ्ट करा देगा। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा है, यही मैंने यहाँ थ्योरी में लिखा है। एकदम आसान सी थ्योरी है कि साधारण स्क्रू जैक का प्रयोग भारी भारों को कम प्रयास लगाकर ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। इसके ढांचे में चूड़ी कटी होती है जिसमें एक चूड़ीदार छड़ घूमता है, यानी इसमें ये जो चूड़ीदार छड़ है ये घूमती है। जब हम हत्ते को घुमाएंगे तो ये वाली छड़ भी घूमेगी और घूम करके ऊपर उठता है, ठीक है। इसके स्क्रू हेड में एक हत्ता लगाने का प्रबंध होता है, ये आपका हत्ता लगा हुआ है, इंग्लिश में इसे हैंडल कहते हैं, जिसके सिरे पर प्रयास लगाया जाता है। यहाँ पर प्रयास लगा रखा है हमने, जब इस हत्ते को घुमा के, प्रयास लगा करके हत्ते को घुमाते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो आपका स्क्रू चढ़े ऊपर को उठेगी, हेड ऊपर उठेगा, इस जो वेट है आपका भार है, ये इसको ऊपर को उठा देगा। समझ पा रहे ना? अब देखो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। हमने मान लिया कि हत्ते की जो लंबाई है वो कैपिटल L है, यानी यहाँ सेंटर से लेकर के और जहाँ तक हत्ता था आपका, इसकी लंबाई L मान ली हमने। X मान रखी हमने चूड़ीदार छड़ की चूड़ी की पिच, ये जो चूड़ी की पिच है इसको हमने कितना मान रखा है, X मान लिया है।
किसी किसी बुक में स्मॉल पी भी मान रखा होगा, ठीक है। हमने पी क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर प्रयास पी होता है, कैपिटल पी जो है ये क्या है आपका, ये लगाया गया प्रयास है, कैपिटल पी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर स्मॉल पी होगा तो पिच होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब डब्लू क्या है, उठाया गया भार है डब्लू, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से निकालते हैं इसके वेगानुपात का फॉर्मूला, तो इसको रफ करते हैं, थ्योरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब देखिए इसका फॉर्मूला, तो वेलोसिटी रेशियो में हम दो चीज़ निकालते हैं, सबसे पहले प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास कहाँ पर है हमारा, ये है प्रयास हत्ते पर जो लगा हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर हम हत्ते पर लगे प्रयास द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी एक हत्ते में कितनी दूरी चलेगा, ये परिधि के बराबर। अब हमें पता है अगर एक चक्कर कंप्लीट होता है हमारा तो परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है ना, 2πr, बट यहाँ पर हत्ता है और हत्ते की लंबाई है l, तो r की जगह पर l आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2πl, समझ पा रहे हैं, r के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर r के प्लेस पर l आ जाएगा, तो ये तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगी। अब निकालेंगे भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, दोस्तों भार कितनी दूरी चलेगा, तो जब आप हत्ते का एक कंप्लीट चक्कर करते हैं तो भार इस पिच के बराबर ऊपर उठता है, यानी जितनी पिच है ये वाली दो चूड़ियों के बीच की दूरी, उतना भार ऊपर उठ जाता है, तो इसको हम x कह देंगे, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, यहाँ पर सॉरी भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, या आप इसको स्मॉल पी बोल सकते हैं पिच को। अब आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेग अनुपात, यानी वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो यहाँ से वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, बी आर बराबर, फॉर्मूला आप सभी जानते क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन में भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, प्रयास ने कितनी दूरी चली है, 2πl अपॉन भार द्वारा कितनी है, x है, तो ये हो गया यहाँ पर बी आर का फॉर्मूला, सभी टर्म आपको पता है, l यहाँ पर हत्ते की लंबाई है, x क्या है यहाँ पर चूड़ियों के बीच की पिच है, समझ पा रहे हैं, बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला वही रहेगा W अपॉन P एंड ईटा का फॉर्मूला वही रहेगा MA अपॉन BR, ठीक है। अगर आपसे इफिशियंसी पूछे सिंपल स्क्रू जैक की, तो यहाँ पर BR की वैल्यू इस वाली को पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ईटा मिल जाएगा, ठीक है। W अपॉन P की फॉर्म में लिखना, तो MA की जगह पर W अपॉन P लिख दीजिएगा, BR की जगह ये वैल्यू लिख के हम इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, बाकी फॉर्मूले पीछे वाले सेम है, जस्ट आपको क्या याद करना है, BR का फॉर्मूला याद करना है, समझ आया सभी को, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब बात करते हैं हम सिंपल स्क्रू जैक के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, एंड उसके बाद देखेंगे हम व्यासांतरी स्क्रू जैक या फिर डिफरेंशियल स्क्रू जैक, ठीक है, तो इसको रफ करते हैं एंड इसका फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका, ये एक साधारण स्क्रू जैक में चूड़ियों का पिच 8 mm तथा हत्ते की लंबाई 30 cm है, जब इस जैक की यांत्रिक दक्षता 45% हो तो 8800 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, एंड निर्गत कार्य भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर चूड़ियों का पिच दे रखा है, पिच को हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, पिच को आप पी से भी कर सकते हैं, स्मॉल पी से या फिर स्मॉल एक्स से, एक्स बराबर कितना दिया है 8 mm, समझ पा रहे हैं, एंड हत्ते की लंबाई लेंथ ऑफ हैंडल, इसको कैपिटल एल से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लीजिए, जब आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे क्योंकि 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, दक्षता दे रखी है, मैकेनिकल इफिशियंसी ईटा की वैल्यू दे रखी है 45%, परसेंट को फ्रिक्शन में लिखेंगे तो 0.45 हो जाएगा ये, ठीक है। 8800 न्यूटन के भार, यानी ये तो दक्षता थी, ये इसका भार दे रखा है, भार मतलब W, कैपिटल W का मान कितना है 8800 न्यूटन, इतना समझ आया। इसके बाद उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, यानी पी हमें निकालना है, यहाँ से प्रयास पी निकालना है, एंड निर्गत कार्य मतलब आउटपुट भी निकालना है हमें, यहाँ से आउटपुट भी बताना है कितना होगा, समझ पा रहे हैं सभी,
सबसे पहला काम जितनी भी लिफ्टिंग मशीन है उन सबका बीआर निकालते हैं पहले। तो इसका भी बीआर निकाल दीजिए। बीआर का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास हत्ते पर लगाते हैं तो पाई पाई टू पाई एल होगा, टू पाई एल हो गया आपका क्या, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, एंड बाहर द्वारा चली गई दूरी पिच के बराबर चलेगा यानी एक्स दूरी चलेगा बाहर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इन सब के तो वैल्यू क्या क्या है, 2 इंटू पाई इंटू एल की जगह पे कितना 30 सेंटीमीटर रख दिया, अपॉन में एक्स की जगह 0.8 रख दिया। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, कैलसी से, तो बी आर बराबर कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर में टाइप करते हैं, 2 गुणा पाई आएगा शिफ्ट के साथ ई एक्स पी, पाई हो गया इंटू में 30 और डिवाइड बाई 0.8, तो यार आपका 235.619 तो 62 कह सकते हैं हम। ये आ गया बी आर की वैल्यू। अब बी आर निकल गया, इफिशियंसी दे रखी है तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए अपॉन बी आर, हमसे पी पूछा है पी, तो एम ए का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी इंटू वी आर, पी निकालना, पी को इधर ले जाओ, ईटा यहाँ जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा कितना, डब्ल्यू अपॉन ईटा इंटू वी आर। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू क्या क्या है, W का मान 8800 न्यूटन है, 8800 रख दिया, ईटा का मान 0.45 है जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं वैल्यूज, एंड बी आर अभी निकाला है 235.62। इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो हमें P मिल जाएगा, तो देखिए कितना आएगा P, 8800 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 0.45 गुणा 235.62, ये आ रहा है 82.996, तो लगभग 83 के समथिंग आ रहा है, तो हम इसका 83 बोल देंगे, 83 न्यूटन समथिंग आंसर आ गया, ठीक है। पी कितना आ गया आपका 83 न्यूटन। एंड अब क्या निकालना है, अब हमें आउटपुट निकालना है दूसरा अपना, अगला क्या निकालना है हमें यहाँ से, आउटपुट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, यानी हम किसी मशीन पर प्रयास लगाते हैं तो प्रयास के द्वारा हमारा भार कितना ऊपर उठेगा एंड भार द्वारा चली गई दूरी, इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं आउटपुट। तो भार और भार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, पिच के बराबर होगी भार द्वारा चली गई दूरी, तो W का मान रख दो 8800 गुणा X की वैल्यू कितनी है 0.8, तो कितना आ गया ये 8800 गुणा 0.8, 7040 का आउटपुट, ये दूसरा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं सभी, तो ये आपके दोनों आंसर आ गए हैं, वैल्यू क्या क्या आ रही हैं, 83 न्यूटन एंड 7040, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड अब मूव करते हैं दोस्तों आगे हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं व्यासांतरी स्क्रू जैक के बारे में, यानी डिफरेंशियल स्क्रू जैक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है व्यासांतरी स्क्रू, यानी इनके व्यास में अंतर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें दो स्क्रू होंगे जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, एक स्क्रू ए है दूसरा स्क्रू बी है, तो और इनके व्यास में अंतर होगा, मतलब एक का व्यास ज़्यादा होगा दूसरे का कम होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है व्यासांतरी स्क्रू जैक। इतना समझ आ रहा है। अब ये डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता क्या है, तो जो हमारा साधारण स्क्रू जैक था, सिंपल स्क्रू जैक था, उसी को संशोधित करके व्यासांतरी स्क्रू जैक बनाया गया है, यानी मॉडिफाई किया गया है सिंपल स्क्रू जैक को, तब हमारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक बना है। समझ पा रहे हैं। अब इसको मॉडिफाई क्यों किया जाता है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो भी हमारा सिंपल होगा उसको डिफरेंशियल करने के लिए मॉडिफाई इसलिए करते हैं ताकि हम वेलोसिटी रेशियो या फिर मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू को बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका डायग्राम समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी को रीड कर लेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दो हमारे स्क्रू होते हैं, एक हो गया स्क्रू ए और दूसरा हो गया स्क्रू बी। इसमें सबसे खास बात क्या है, स्क्रू ए का व्यास बड़ा होगा, स्क्रू बी का व्यास छोटा होगा, इन दोनों के व्यास में अंतर होगा, इसलिए हम इसको व्यासांतरी स्क्रू जैक कहते हैं। एंड स्क्रू बी पर दोनों तरफ थ्रेड्स कटे होंगे, चूड़ी जो होती है आंतरिक और बाहरी दोनों ओर होती हैं, यानी इसमें बाहर की ओर भी और अंदर की ओर भी दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, जबकि बी में केवल बाहरी सतह पर चूड़ी होती है, आंतरिक सतह पर चूड़ियाँ नहीं कटी होती, विशेष अंतर है दोनों में ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आउटर एंड इनर दोनों तरफ थ्रेड्स कटे होंगे, इसमें ओनली आउटर ही थ्रेड्स कटे होते हैं, समझ पा रहे हैं। एंड ये है बड़ा, ये है छोटा, तो जब हम इस हत्ते को घुमाते हैं तो आपका जो स्क्रू बी है ये घूमता नहीं है बल्कि ऊपर नीचे मूव करता है, तो स्क्रू बी स्क्रू ए के अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटा है ये, स्क्रू ए के अंदर जाएगा और स्क्रू ए क्या काम करेगा,
इस बी के लिए ये डिग्री की तरह से काम करेगा। नट जानते हैं, नट किसी बोल्ट को जब हम कसते हैं, जिसके द्वारा कसते हैं, गोल गोल जो होता है आपका वो नट होता है, तो वो ये जो काम करेगा स्क्रू ए इस बी के लिए नट की तरह काम करेगा। जैसे ये इसमें बोल्ट की तरह अंदर जाएगा और ये इसको ऐसे ऊपर से कवर करता जाएगा, तो स्क्रू ए तो ऊपर को जाएगा और स्क्रू बी इसके अंदर आएगा। स्क्रू ए की पिच जो होती है एक्स वन, ये ज़्यादा होती है स्क्रू बी से, इसीलिए ज़्यादा ऊपर उठता है, ये कम अंदर आता है, तो आपका ओवरऑल निष्कर्ष निकलता है कि भार आपका ऊपर लिफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं? एंड आगे बात करें हम इसमें, ये इसका फ्रेम हो गया एंड ये हत्ते पर हम प्रयास लगाते हैं। प्रयास किस तरह लगाएंगे, तो इसको ऐसे घुमाते हैं हत्ते को, ऐसे इसके इसके चारों तरफ इस तरह गोल गोल घुमाएंगे इसको, इसको घुमाएंगे तो आपका ऊपर उठता जाता है, ठीक है। ये बाहर है आपका, लिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर एल हत्ते की लंबाई है। क्लियर हुआ? अब पिच के बारे में बात करें, तो मैंने अभी पिच आपको साधारण स्क्रू जैक में बताया था, तो वहाँ मैंने पिच गलती से अंदर तक दिखा दिया था, लेकिन पिच क्या होता है, थ्रेड्स के बाहर से बाहर तक होता है, या फिर हम सेंटर से सेंटर तक मान लेते हैं, इस सेंटर से इस सेंटर तक आप मान सकते हैं पिच को, ठीक है। तो ये दोनों पिच हो गई x1 x2, x1 हो गई स्क्रू ए की पिच, x2 हो गई स्क्रू बी की पिच। अब थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा है। क्या लिखा है, यह साधारण स्क्रू जैक का संशोधित रूप है, मैंने आपको बता ही दिया। इसमें दो स्क्रू होते हैं ए तथा बी, ठीक है। स्क्रू ए में आंतरिक तथा बाहरी दोनों चूड़ी होती हैं, मतलब स्क्रू ए पर बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ दोनों तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं, और जो स्क्रू ए होता है ये स्क्रू बी के लिए ढिबरी की तरह नट की तरह कार्य करता है। स्क्रू बी ए क्या करेगा, बी के लिए नट की तरह काम करेगा, मतलब ये इसके अंदर जाएगा, इसके ऊपर से कवर करता जाएगा इसको, जैसे नट घूमता है ना बोल्ट के चारों तरफ उस तरह से। आगे स्क्रू बी नहीं घूमता है, ये केवल क्या करता है, अक्षीय दिशा में ऊपर या नीचे चलता है, ये इसके अंदर ऊपर नीचे चलता है इस तरह से, ठीक है। स्क्रू ए के अंदर स्क्रू बी चलता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। समझ पा रहे हैं? अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, अब फॉर्मूला निकालेंगे हम इसका वेलोसिटी रेशियो का। तो हमने मान लिया हत्ते की जो लंबाई है वो एल मान ली, एक्स वन क्या है, स्क्रू ए पर चूड़ी की पिच एक्स वन है, स्क्रू बी पर चूड़ी की पिच एक्स टू मान रखी है। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए, अगर हम वेग अनुपात निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम इसमें, प्रयास द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे, फिर भार द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। तो अगर बात करें प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, प्रयास कितनी दूरी चलेगा यहाँ पर, तो आप खुद देख सकते हैं, प्रयास हत्ते पर लगा रहे हैं, हत्ते पर हत्ते की लंबाई L है, तो जब ये हत्ता इस तरह घूमेगा तो एक सर्कल सा बनेगा बड़ा सा, तो यहाँ से यहाँ तक L है, ये L जो आपका R त्रिज्या होती है उसकी जगह यहाँ पर L है, 2 पाई R आता है, वैसे परिधि क्या आती है, 2 पाई R आती है, 2 पाई R, लेकिन R की जगह पर यहाँ पर L है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई L। समझ पा रहे हैं क्या होगा, 2 पाई L, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, प्रयास द्वारा चली गई दूरी 2 पाई L। जब इस हत्ते को हम इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, तो पूरा एक चक्कर में यह हत्ता जितनी परिधि तय करेगा वो क्या होगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगा, और यहाँ पर R की जगह पर क्या, हमारा हत्ते की लंबाई L लेंगे हम, तो इसलिए 2 पाई L हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब भार द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे, तो भार द्वारा चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, तो जो आपका स्क्रू A है ये ऊपर की ओर चलता है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, स्क्रू A के द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी, ऊपर की ओर चली गई दूरी बराबर, ये ऊपर की ओर कितना चलेगा, इस पिच के बराबर चलेगा, ए पर पिच कितनी है एक्स वन, एंड आगे लिखेंगे स्क्रू बी के द्वारा नीचे की ओर, स्क्रू बी कहाँ आएगा, नीचे आएगा इस ए के अंदर, तो नीचे की ओर चली गई दूरी, नीचे की ओर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, ये x2 चलेगा, b का पिच कितना है, x2 है, तो x2 चलेगा, ठीक है। इनको स्मॉल p1 p2 भी मान सकते हैं आप। अब बाहर कितना लिफ्ट होगा, फिर बाहर द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, बाहर द्वारा चली गई दूरी बाहर इन दोनों के अंतर के बाद, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो टोटल लिफ्ट कितना होगा, ये जितना इन दोनों का अंतर आएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठेगा, इसकी पिच ज़्यादा होती है इसकी कम होती है, तो ओवरऑल कितना आएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू इन दोनों के पिच के अंतर के बराबर ये बाहर द्वारा चली गई दूरी होगी, बाहर इतना लिफ्ट हो जाएगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, ठीक है ना। अब आगे बात करें हम क्या, वेगानुपात का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, वी आर बराबर क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी
अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी, लिख लीजिएगा पूरा, आपका टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ इस तरह से। प्रयास ने कितनी दूरी चली है यहाँ पर, प्रयास द्वारा 2πL, और भार द्वारा कितनी है, x1 माइनस x2, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। बाकी जो फॉर्मूले होते हैं सभी सेम रहते हैं, MA का फॉर्मूला और ईटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, एंड फिर आगे मूव करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और चलिए देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिर आपका एक टॉपिक बचेगा सिर्फ साधारण बर्म तथा बर्म पहिया, तो मैं उसका आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिखा दूंगा, आप उसमें देख के लिख लीजिएगा, अदरवाइज क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अब MCQ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद अगली क्लास में, जिसमें कि मशीन के 60-70 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, जो कि MCQ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट आप उससे पहले पूरे मशीन चैप्टर की थ्योरी को, इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लिख करके रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ एंड आपको साधारण बर्म और बर्म पहिए की थ्योरी स्लाइड में शो करा दूंगा, वहाँ से देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, लाइट भी चलेगी दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज की क्लास का, इसके बाद मशीन चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो एक टॉपिक बचा है साधारण बर्म तथा बर्म पहिया, तो वो आपको स्लाइड में शो करा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, अब वहाँ से वीडियो को पोज करके लिख लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। फिर मशीन पूरा तैयार हो जाएगा आपका अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक व्यासांतरी स्क्रू जैक में स्क्रू की पिच क्रमशः 7 mm तथा 4 mm है, यानी दो पिच दे रखी है, तो स्क्रू ए बड़ा होता है हमारा, तो स्क्रू ए की पिच क्या होगी यहाँ पर, स्क्रू ए की पिच इसको हम X1 मान लेंगे, बड़ी वाली जो है 7 mm, एंड स्क्रू बी की पिच जिसे X2 बोलेंगे, ये कितनी है, 4 mm है। आगे हत्ते की लंबाई दे रखी है यहाँ पर, लंबाई मतलब लेंथ दे रखी है हैंडल की 450 mm, यहाँ तक समझ आ रहा है। दक्षता इफिशेंसी ईटा दे रखा है कितना, 42%, इसको कह सकते हैं 0.42, एंड भार दे रखा है कैपिटल W का मान 6000 न्यूटन, और हमसे प्रयास भी यहाँ पर पूछा गया है, समझ पा रहे हैं। मैं इधर निकाल देता हूँ BR, वेलोसिटी रेशियो, BR का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, 2πL अपॉन में X1 माइनस X2 होता है, 2πL की जगह पर हत्ते की लंबाई कितनी है, 450 अपॉन X1 7 माइनस ये 4 है, इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कैलकुलेटर से, तो ये आ जाए कितना, 2 into 450 और डिवाइड बाई 3 बचेगा 3, तो ये आ गया 942.477, तो 48 बोल सकते हैं इसको, ये VR की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी रेशियो निकल आया VR। अब इसके बाद हम आगे करेंगे कैलकुलेट इसको, इसके बाद क्या निकालना है हमें आगे, हमें निकालना है प्रयास, तो प्रयास के लिए ईटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ईटा क्या होता है, MA अपॉन VR, क्लियर। तो यहाँ से ईटा इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन P इंटू VR, हमें निकालना है P निकालना है, इसको यहाँ ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W अपॉन में ईटा इंटू में VR, वैल्यू पुट कीजिए, W का मान 6000 अपॉन ईटा कितना है, ईटा जीरा 0.42 इंटू VR का मान 942.48, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, चलिए मैं ही कर देता हूँ, 6000 डिवाइड बाई 0.42 और इंटू में 942.48, तो ये 15.15 आ रहा है, 15.16 कह सकते हैं इतने न्यूटन, यानी कि केवल हम 15.16 न्यूटन बल लगा करके और 6000 न्यूटन का भार उठा सकते हैं, किसके द्वारा, व्यासांतरी स्क्रू जैक के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है साधारण बर्म तथा बर्म पहिया, तो इसका पहले तो मैं आपको इसकी थ्योरी शो कर रहा हूँ स्लाइड में, तो आपको दिखाई दे रही होगी, वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। अब आपके मशीन के सभी टॉपिक्स हो चुके हैं पूरी तरह से कंप्लीट, आपका काम क्या है, मशीन के जितने टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाए हैं आपको 6 पार्ट हो गए कंप्लीट, 6 के 6 पार्ट्स को अच्छे से लिख करके नोट्स बना लीजिए, एंड इसके बाद अगले ही सेशन में हम करेंगे इसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की स्टडी, क्लियर ना। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।